और ये देखिए सिसोदिया निकल रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर आपको बता देना चाहती हूँ, मनीष सिसोदिया नीले रंग की शर्ट में चेहरे पर मुस्कान लिए ईडी की 7 दिन की रिमांड पर। तो मीडिया कर्मी पूछते रहे सिसोदिया जी आप कुछ बोलेंगे, लेकिन सिसोदिया जी वहां पर अधिकारियों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड मिल चुकी है, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया की रिमांड ईडी को मिल चुकी है 7 दिन की। तो सिसोदिया को कोर्ट से ले जाते वक्त की यह तस्वीर है। 17 मार्च तक ईडी रिमांड में सिसोदिया रहने वाले हैं, क्योंकि 17 मार्च को ही जो जमानत अर्जी दाखिल की है उसे लेकर फैसला आना है। संजय सिंह की तरफ से इस बीच कुछ बयान दिए गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये सब गलत हो रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ईडी रिमांड में भेजा है उस पर संजय सिंह से उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने ये कहा कि ये सब गलत हो रहा है। संजय सिंह ने ये बयान दिया है इस पूरे मसले पर कि जज खुद आदेश पढ़ने नहीं आए, स्टाफ के जरिए जानकारी भिजवाई, संजय सिंह ये कह रहे हैं। अब इसके माने क्या है वो तो संजय जी ही बता सकते हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।